पूछते हैं टाइगर संतोष नायर, एक मैनेजर लीडर के तरफ कैसे निकल जावे? तो सबसे पहला मैनेजर कौन होता है और लीडर कौन होता है ये जान लेते हैं। मैनेजर का काम है डेली कॉम्प्लेक्सिटी को संभालना। आज क्या हो रहा है, छगन आया कि नहीं, मगन गया कि नहीं, प्रोडक्शन निकला कि नहीं, माल गया कि नहीं, कलेक्शन हुआ कि नहीं, ये मैनेजर का काम है। और लीडर का काम है फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के लिए काम करना। तो मैनेजर लोग जो है वो पूरा दिन बिजी रहते हैं, वो सुबह से शाम बिजी रहते हैं, बिकॉज वो लोग कॉम्प्लेक्सिटी में है। मैनेजर का जो ब्रेथ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रेजेंट की तरफ ज़्यादा है। प्रेजेंट में बैठा हुआ है, प्रेजेंट में सेल हुआ कि नहीं, प्रेजेंट में मार्केटिंग हुआ कि नहीं, वो सोशल मीडिया का काम हुआ कि नहीं, माल निकला कि नहीं, गाड़ी आया कि नहीं, गाड़ी गया कि नहीं, एक्वागार्ड रिपेयर हुआ कि नहीं। तो मैनेजर पूरी डेली कॉम्प्लेक्सिटी में सुबह से शाम अपने लड़के लड़कियों के साथ टोटली बिजी रहता है। और इसीलिए मैनेजर से कभी भी ये उम्मीद नहीं किया जा सकता कि वो फ्यूचर के बारे में सोचे, लोगों के फ्यूचर के बारे में सोचे, कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोचे, टीम का फ्यूचर के बारे में सोचे और संस्था के फ्यूचर के बारे में सोचे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज वो इतना लोडेड विथ वर्क है, इतना लोडेड विथ वर्क है कि उसके पास फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं है। तो मैनेजर का काम है डेली कॉम्प्लेक्सिटी, उसको करने दीजिए। और लीडर का काम क्या है? लीडर का काम है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए लीडर? लीडर का रोल ऑफ ए लीडर इज टू फाइंड द फ्यूचर, टू रिकॉग्नाइज द फ्यूचर एंड टू सिक्योर द फ्यूचर। टू फाइंड द फ्यूचर, रिकॉग्नाइज द फ्यूचर एंड सिक्योर द फ्यूचर फॉर ऑल द पीपल हु आर फॉलोइंग हिम। लीडर का काम है फ्यूचर के बारे में सोचना। लीडर का काम है संस्था के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना। लीडर का काम है संस्था के अंदर परिवर्तन लाना, रूपांतरण लाना, चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन लाना। लीडर का ब्रेथ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की तरफ नहीं है। लीडर का काम आज का कॉम्प्लेक्सिटी संभालना नहीं है। लीडर का काम कल का जो कंपनी बनाना है, कल के प्रोडक्ट्स जो बनाने, कल के जो इंसान बनने, कल के जो इंसान जो मैनेजर है, जो लीडर बनने हैं, ये मैन्युफैक्चर करने का काम होता है लीडर का। लीडर का काम फ्यूचर के ऊपर फोकस्ड रहता है और लीडर को रूपांतरण लाना पड़ता है। तो ये जो जर्नी है फ्रॉम ए मैनेजर टू ए लीडर, कोई लोग मुझसे पूछते हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि नायर साहब ये लड़के को हम लीडर बोले, ये लड़के को हम मैनेजर बोले? नहीं, क्योंकि लीडर कोई डेसिग्नेशन नहीं होता। सेम आदमी लीडर होता है। जो आदमी मैनेजर है वो आदमी लीडर भी बन सकता है, लेकिन कैसे बन सकता है वो मैनेजर? जो मैनेजर का काम कर रहा है वो लीडर कैसे बने? तो वो जो काम कर रहा है मैनेजर, उसे अपना काम को डेलीगेट करना पड़ेगा, उसे ऐसे लोगों को डेलीगेट करना पड़ेगा जो उससे स्मार्टर है। और जब डेलीगेट करेंगे और उसके बाद उसको डिसेंट्रलाइज करना है, बाद में अपने नीचे वाले लोगों को एम्पावरमेंट करते हुए वो काम उनसे करा के लेना है। और जैसे ही मैनेजर ने अपना काम अपने टीम मेंबर्स को देने चालू कर दिया, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और एम्पावरमेंट कर दिया, तो इसका काम नीचे नीचे चला जाएगा और उसके वजह से ये मैनेजर के पास टाइम मिलेगा। जब ये मैनेजर के पास डेलीगेशन के वजह से टाइम मिलता है, तो वो बैठ के अपने लोगों का फ्यूचर, अपने टेरिटरी का फ्यूचर, अपना कंपनी का फ्यूचर, अपना प्रोडक्ट का फ्यूचर, अपनी पूरी डिपार्टमेंट का फ्यूचर के बारे में वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सोच सकता है। मैनेजर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कंपनी को मूव करते रहते हैं, उनके बिना कोई भी काम हिल नहीं सकता है, क्योंकि वो ड्राइव करते हैं डेली कॉम्प्लेक्सिटी को, ड्राइव करते हैं, एंड देयरफॉर उनका काम बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे ये उम्मीद करना कि वो फ्यूचर के बारे में सोचे, वो हो नहीं सकता। इसीलिए हर मैनेजर को वेरी कॉन्शियसली डेलिबरेटली अपना टीम बनाना पड़ेगा, वेरी कॉन्शियसली डेलिबरेटली उसे डेलीगेट करना पड़ेगा, वेरी कॉन्शियसली और डेलिबरेटली ऐसा टीम को बनाना पड़ेगा जो एक ड्रीम टीम है, जो कोई भी काम के लिए मैनेजर के पास आना बंद कर देवे। और जैसे ही वो लोग मैनेजर के पास आना बंद कर देते हैं, मैनेजर के पास ज़्यादा टाइम होता है, और ये टाइम जो है मैनेजर अपना अपग्रेडेशन में लगावे, अपने लोगों के अपग्रेडेशन में लगावे, अपने डिपार्टमेंट के अपग्रेडेशन में लगावे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में लगावे।
दूसरा एक तरीका जो मैनेजर जो डेलीगेट कर सकता है, एक तो इंसानों को डेलीगेट करना, दूसरा मशीनों को डेलीगेट करना, इसको ऑटोमेशन बोलते हैं, डेलीगेशन टू ह्यूमन बीइंग्स को डेलीगेशन बोलते हैं और डेलीगेशन टू मशीन को ऑटोमेशन बोलते हैं। तो मशीनों को डेलीगेट करना, जैसे पहले ज़माने में एक कैशियर बैठ के गिनता था और फिर वो अपने आदमी को रखता था जो बैठ के गिनता था, अब वो काउंटिंग का मशीन आ गया, फिर उसके बाद ऑटोमेशन में ATM आ गया। इस तरह से एक मैनेजर को कॉन्शियसली इंसानों को भी डेलीगेट करना है और कॉन्शियसली ये भी देखना है कि ऑटोमेशन कैसे किया जाए। अगर उसने डेलीगेशन ऑटोमेशन ये दोनों किया तो मैनेजर मुक्त होने चालू हो जाता है, और मुक्त जब होता है उसके पास टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तो फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए। और फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, ये लीडर्स का काम होता है। फ्यूचर के डिपार्टमेंट, फ्यूचर का डिवीजन, फ्यूचर में क्या क्या होना चाहिए, फ्यूचर के आदमी कैसे होने चाहिए, उस आदमी को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाए, फ्यूचर का प्रोडक्ट्स कौन से मार्केट में होना चाहिए, उस मार्केट में सर्वे किया है कैसे किया जाए, फ्यूचर का कंपनी कैसे होना चाहिए और वो कंपनी के फ्यूचर प्रोडक्ट्स क्या होने चाहिए, कौन से चीज़ों को गुड बाय बोलना पड़ेगा, कौन सा आज का चीज़ है जिसे गुड बाय बोल के जो पैराडाइम है, जो दायरे हैं, वो दायरे को तोड़ने का जो काम है वो लीडर लोग का है। अब लीडर लोग की बहुत सारी क्वालिटियाँ होती है। लीडर का अगर डेफिनेशन देखें, ए लीडर इज़ अ पर्सन होम यू चूज टू फॉलो टू अ प्लेस वेर यू वुडन गो बाई योर सेल्फ। लीडर एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम चुनते हैं फॉलो करने के लिए, उस जगह पे जाने के लिए जिस जगह पे हम अकेले जा नहीं सकते हैं। और वो जगह कौन सा है जहाँ लोग अकेले नहीं जाएंगे, वो है फ्यूचर। क्यों नहीं जाना चाहते हैं लोग अकेले फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में डेंजर है, फ्यूचर में अनसर्टनिटी है, फ्यूचर में क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए लीडर पहला वहाँ जाता है और फिर उसके बाद मैनेजर्स और पूरी दुनिया को वहां पर लेके जाता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन द मैनेजर एंड लीडर। आप अगर मैनेजर है तो कॉन्शियसली डेलीगेशन करते हुए, ऑटोमेशन करते हुए आप लीडर के तरफ निकल जाइए, और अगर आप लीडर है तो आपका काम है टू थिंक अबाउट, ड्रीम अबाउट एंड एनविजन द फ्यूचर, और सभी लोगों को अलाइन करते हुए अगला कांड क्या करना है उसके तरफ लेके जाना है। मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है। लीडर का काम है फ्यूचर के बारे में सोचना, मैनेजर का काम है आज के बारे में सोचना। कॉन्शियसली एक मैनेजर को अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को बिल्ड करना है, और ये अगर कर पाए तो मूविंग फ्रॉम मैनेजर टू लीडर बहुत आसान हो जाएगा। मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है।